हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। और प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन की बटन को भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो प्लीज़ और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली दोस्तों के साथ। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर वही जो सामान रखा हुआ था तो वही तैयारी कर रही हूँ। तो उससे पहले कार्तिक का जो पेपर था वो मैं चेक कर रही थी पूरा हुआ है कि नहीं, तो पूरा कंप्लीट हो गया है, बस देना बाकी रह गया था, तो बस सुबह देना है। तो तिल और मूंगफली रखी थी, बड़े शौक से लेकर आ गए थे हम लोग, तो पर क्या करें उस टाइम पे कुछ कर ही नहीं पाई हूँ। तो और मेरे हस्बैंड ने ही इतने इतने सारे दिलवाए थे इस बार, नहीं तो मैं तो कभी इतनी ज़्यादा लाती भी नहीं हूँ वो तिल। तो सस्ती मिल रही थी थोड़ी, तो उन्होंने फिर एक एक किलो दिला दी है, वहीं से लेकर आए थे जहाँ कंपनी जाती हूँ ना मैं, पापड़ कंपनी, तो वहीं से लौटते समय लेकर आ गए थे। तो फिर ज़्यादा एक एक किलो ले लिए, बहुत ज़्यादा हो जाती है बनाने में, ज़्यादा लगता है, ऐसे तो कम दिखती है पर बनाने में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बस वही मैं यहाँ पर भून रही हूँ। तो मैं मूंगफली को दो भाग में भून ले रही हूँ, आधी अभी ले ली मैंने, आधी बाद में भूनूंगी, और उसके बाद मैं तिल को भी भून लूँगी। तो तिल भी बहुत सारी है तो उसको भी हल्का हल्का भून लूँगी। तो उस टाइम पे तो नहीं बन पाए थे, पर कोई बात नहीं, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि अब त्यौहार है तो उसी दिन हम बना कर खाएँ, तो ऐसे तो हम बीच में भी कभी भी बना कर खा सकते हैं। तो ऐसा अक्सर बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा इस तरह से, जैसे मेरे साथ हुआ है। तो बस एक हफ्ते बाद हो गया पूरा, उसके बाद मैं बना रही थी, और उस टाइम पे तो मैं वीडियो भी मुश्किल हो गया था बनाना। तो बस अभी बना रही हूँ और सबकी मैं लैया बनाऊंगी। वैसे मैंने अभी तिल की कभी नहीं बनाई है, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं। मूँगफली की तो मैं बनाती रहती हूँ तो उसकी अच्छे से बन जाती है, पर तिल की देखते हैं कैसी बनती है। पर हम लोगों ने संक्रांति मना ली थी, ऐसी बात नहीं है, लड्डू तो हम लोगों ने खा लिए हैं, लड्डू वगैरह खा चुके हैं, तो सारे रीति रिवाज जो होते हैं वो हो चुके हैं, खिचड़ी और ये सब तिल के लड्डू मूंगफली ये सब खा चुके हैं। तो बस अभी मैं अब जो रखा हुआ है तो उसे तो वेस्ट कर नहीं सकते हैं, बहुत ही मतलब अब पैसे लगे हैं इसमें, महंगे तो नहीं थे पर पैसे लगे हैं, तो कोई चीज़ अब वेस्ट ना हो। और वैसे भी इतनी सारी तिल का हम करेंगे क्या रख कर, तो इससे अच्छा मैं बना के रख लेती हूँ, तो फिर थोड़ी थोड़ी खा ही लेंगे। तो कुछ मैं मूंगफली और तिल को मिलाकर बनाऊंगी और कुछ मूंगफली अकेले की ही बनाऊंगी। तो बस मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर भून ली हैं, मूंगफली को भी अच्छे से साफ़ कर ली है, उसके छिलके उतार के, और यहाँ पर मैं गुड़ को पिघला रही हूँ। तो मैंने इसमें अभी गुड़ डाला है और मैंने बिल्कुल भी मेजरमेंट नहीं किया है, तो मैं किसी भी चीज़ का मेजरमेंट बहुत ही कम करती हूँ, ये तो आप लोग देखते ही होंगे, तो बहुत कम है कि मैं करती हूँ ऐसा, तो अंदाजे से ही बना लेती हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो तो मैं आप लोगों को दिखाने के उससे ही मैं थोड़ा सा नाप तोल कर देती हूँ, वरना मैं सारी चीज़ें अंदाजे से ही बना लेती हूँ। तो मैंने इस तरह से इसको भी ऐसे ही कर लिया है। तो गुड़ डाल दिया है पैन में, थोड़ा सा एक चम्मच पानी डाला है, तो बस इसे अच्छे से पिघलाना है, बहुत ज़्यादा इतना मतलब गुड़ को पिघलाना है, वैसा होने लगता है ना, फूलने लगता है एकदम खूब ऊपर तक, तो इस तरह से। तो जब तक गुड़ पिघल रहा है उससे पहले मैं जल्दी से थाली में तेल लगा ले रही हूँ, जिसमें हमें चिक्की को बनाना है, क्योंकि ये प्रोसेस ना इस टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी करना होता है, नहीं तो फिर क्या होता है बिगड़ने का चांस हो जाता है, और बिगड़ भी गया था अभी आप लोग देख लीजिएगा। तो
क्योंकि मैंने पहले ही बताया आप लोगों से मैं फर्स्ट टाइम पे बना रही हूँ तिल वाले, तो बस ऐसे ही हो गया रहा क्योंकि जल्दी जल्दी मिलाना था और बहुत जल्दी जल्दी, और मैंने गलती ये कर दी कि मैंने छोटा पैन ले लिया, मुझे बड़ा लेना रहा तो उससे थोड़ा आसानी होती जल्दी जल्दी बनाने में, तो जो छोटे के कारण ना उसी के कारण दिक्कत हो गई, तो मैं जल्दी जल्दी नहीं कर पाई। और जैसे ही ये बिल्कुल मतलब है ना इसको छोड़ दो तो कड़क होने लगता है एकदम तुरंत, तो ये बिल्कुल फैल नहीं पा रहा था उस तरह, इसलिए इसको इसमें ना बड़े पैन में मतलब कढ़ाई में बनाना था, तो यही गलती हो गई मुझसे। तो बस अभी देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन ये है कि गुड़ इसमें सही मात्रा में मैंने डाला है तो पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है, कम नहीं हुआ था, और तिल भी जो भी मैंने अंदाजे से लिया था दोनों चीज़ें, तो सभी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई थी। बस ये देखिए पूरा कड़क हो गया है और मैं इसको बेल ही नहीं पा रही थी। तो एक तो क्या है ना, एक काउंटर टॉप भी ना मेरा छोटा है ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है उसमें, मतलब थाली भी नहीं बन पाती है रखते, तो कुछ ऐसे भी हो गया रहा, तो अब वो बन ही नहीं पा रहा है। तो ये देखिए मैंने हाथ से ही कर दिया है उसको, क्योंकि वो तो बिल ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने हाथ से दबा दबा के कर दिया है। तो मैंने सोचा फिर से मैं बेलने की कोशिश करती हूँ, पर वो बिगड़ ही गया था, मतलब टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं था, बस ये है कि हमें लइया जैसी चाहिए थी, जैसे जो चिक्की नहीं होती है आम मूँगफली की उस तरीके से, लेकिन वो नहीं बिल पाया था। और ये देखिए मूँगफली की इतनी अच्छी बनी थी, बहुत ही अच्छी, तो ये बेल ली थी मैंने तुरंत जल्दी से, भले गोल नहीं बनी पर ये अच्छी सी एक सी बेल गई थी, और ये भी बहुत अच्छे हैं टेस्ट में, बहुत अच्छे बने थे और एकदम जैसे दुकान के मिलते हैं बिल्कुल वैसे ही, ना गुड़ कम था ना तिल कम थी, सब बराबर था। तो इस तरह से मैं तोड़ तोड़ के ऐसे ही रख लूँगी, लड्डू जैसे ही बन गए हैं ये तो, तो बस इस तरह। और ये अभी ना बहुत कम के बनाए हैं, इतने सारे बने हैं और अभी बहुत सारी तिल और मूंगफली रखी हुई है। तो ये देखिए मैंने बना ली है, और ये वाली ना बिगड़ गई है थोड़ी सी, मतलब पर अच्छी बनी है, कड़क हो गई है, बस ये क्या है कि इसको है ना थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है, तो जैसे भी थाली में फैलाओ तो उसको ना जल्दी से बेलना पड़ता है, और ये वाली अच्छी बन गई है, ये देखिए मैं बहुत अच्छी बनी है, इतनी अच्छी ये वाला है हमारा, ये वाला है मम्मी का, मतलब एकदम शाइनिंग आई है, बहुत अच्छी शाइनिंग हमारा, ये मम्मी का, ये देखिए दिखा रही हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी बनी है ये वाली, और ये बहुत अच्छी शाइनिंग आई इसमें, ये बस ऐसी हो गई है ये, क्योंकि इनका इनकी प्रोसेस ना थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, इसलिए ये इसको मैं जल्दी से नहीं कर पाई थी, पर बनी बहुत ही अच्छी है, कड़क भी बनी है, कड़क हो जाएगी अभी, ये थोड़ा सा हो ही गई है जी, टूट नहीं रही है जी, तो ऐसे कैसे नहीं टूटेगी, अच्छी बनी है ये भी, हाँ यार है ना, नहीं रही है, बहुत अच्छी बनी है ये भी, बस ये है कि ये लइया जैसी नहीं बन पाई है, और ये बहुत ही अच्छी बनी है, और मैंने इतनी ही बनाई है क्योंकि गुड़ ना ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये बहुत सारी हो गई थी तिली और मूंगफली, पर गुड़ कम पड़ गया, तो अब गुड़ लेकर आऊँगी फिर उसके बाद बनाऊँगी, तो अभी जितना था उतना मैंने बना लिया है, बस अभी अभी खाना खाया है, और आज मैंने सब्जी बनाई थी आलू और बड़ी की सब्जी, जो कुमड़े की बड़ी बनाई थी ना मैंने, बस उसकी सब्जी बनाई थी, तो आज रात को यही खाना बनाया था, और तो आप लाइक और सब्सक्राइब ठोक देना हाँ ठोकेंगे ना, कौन सा की कटिंग देखिए जरा क्या है, कौन सी हेयर स्टाइल है ये वाली, हेयर स्टाइल करवा के आया है घर है ना, देखो कंघी करने का, सब कुछ मेरे कंघी करने का स्टाइल, हां बाय बाय।
हाँ।